हिना खान के लिए फैंस दुआएं ही कर रहे थे कि हिना खान के सामने ऐसा दुख आया कि उन्हें कुछ दिन से तनाव में नींद भी नहीं आ रही है। उन्होंने अपनी इस टेंशन को शेयर करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। दरअसल हिना अपनी बीमारी का दुख भूलकर बांग्लादेश हिंसा की चिंता करने लगी है। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए हिना ने एक साथ कई पोस्ट शेयर किए। लिखा, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कुछ भी करिए लेकिन इंसानियत बची रहनी चाहिए, इंसानियत खत्म ना करें। हिना की पोस्ट बता रही है कि वो इस वक्त बहुत टेंशन में है और इस टेंशन की वजह से हिना ने कुछ ना ही खाया पिया और करीब एक घंटा तक वो बहुत उदास रही। ऐसे में हिना की चिंता फैंस को होने लगी और कहने लगे बीमारी में खुद का ध्यान रखें, उनकी दिक्कत कहीं बढ़ ना जाए। ऐसे डॉक्टर्स का कहना है ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा तनाव आपकी बीमारी को फिर से ताजा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके खुद को टेंशन फ्री रखें, किसी के बारे में ज्यादा ना सोचें। हिना खान बिल्कुल ठीक हो गई थी लेकिन अचानक से उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हैरानी की बात यह है कि हिना की हालत ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी या सर्जरी के साइड इफेक्ट से नहीं बल्कि बात कुछ और निकली। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टर्स को भी अफसोस है कि उन्होंने हिना को ठीक करने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, जी जान लगा दिया, लेकिन दो दिन की टेंशन ने हिना की हालत फिर से पहले जैसी कर दी। हिना खान को जब से बांग्लादेश की न्यूज मिली है तब से हिना खान अपने रूटीन वर्क भी नहीं कर रही हैं। वो बुरी तरह डर चुकी हैं। हिना की खतरनाक बीमारी तक हिना को डरा नहीं सकी लेकिन बांग्लादेश हिंसा ने हिना को पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। हिना खान इस वजह से ना ही कुछ खा पी रही और ना ही सो रही हैं। ऐसे में हिना की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, कमजोरी आने लगी और वो बहुत परेशान भी है। हालांकि उन्होंने अपनी परेशानी को कम करने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट लिखे और हिना के लिए अब फैंस की चिंता भी बढ़ गई है। खाने के बिना इंसान का शायद एक कदम चलना भी मुश्किल हो सकता है और जब ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो तब तो खाना बहुत जरूरी हो जाता है। बीमारी को ध्यान में रखते हुए टाइम से खाना पीना ही बीमारी का खात्मा जल्द करता है, लेकिन अचानक से हिना की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि हिना खान न केवल दो दिन से जाग रही है बल्कि खाना पीना भी छोड़ चुकी है। बांग्लादेश की टेंशन में हिना ने दो दिन से खाना नहीं खाया। ऐसे में हिना को बहुत कमजोरी होने लगी है। कमजोरी की वजह से हिना खान एक कदम भी नहीं चल पा रही और कई बार बेड से गिरते गिरते बची। रॉकी और माँ हिना को हाथ पकड़कर उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत समझा भी रहे, लेकिन हिना के दिमाग से बांग्लादेश हिंसा की टेंशन नहीं जा रही है। हिना की बीमारी उन्हें नहीं गिरा सकी लेकिन बांग्लादेश हिंसा ने हिना खान को तोड़ दिया। अभी अभी हिना खान की एक और पोस्ट सामने आई है जिसने फैंस को चिंता में डाल दिया। उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ग्रीन पिंक चेक शॉर्ट में पोज दे रही हैं। उनके बैकग्राउंड में द ग्रेट गैट्सबी का गाना लगाया गया है। इस गाने के जरिए वो अपने फैंस से पूछती हैं कि जिस तरह से तुम मेरे साथ एक बच्चे की तरह खेलते रहे, क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे जब मैं जवान और सुंदर नहीं दिखूंगी, क्या तुम तब भी मुझे प्यार करोगे जब मेरे पास मेरी दुखती आत्मा के अलावा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर कर हिना खान ने कैप्शन में लिखा, क्या तुम करोगे। इस पोस्ट में बॉयफ्रेंड रॉकी ने कमेंट लिखा, हमेशा करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट इमोजी भी लगाया। रॉकी के जवाब ने फैंस का ध्यान खींच लिया। अब हिना खान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि फैंस को रॉकी के ही रिएक्शन का इंतजार था। लोगों को उम्मीद थी कि रॉकी ऐसा करेंगे और लोगों की तरह बिल्कुल भी अपने प्यार के साथ धोखा नहीं करेंगे। रॉकी वो इंसान नहीं है जो हिना को इस मुसीबत में छोड़कर चले जाएंगे। हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, कीमोथेरेपी भी हो चुकी है और इसका साइड इफेक्ट हिना की बॉडी पर देखने को मिला। कैंसर से जूझ रही हिना खान ने हर दर्द, जख्म और हर रोज उनकी बॉडी में हो रहे इफेक्ट को उन्होंने वीडियो और फोटो के जरिए अपने फैंस को दिखाया है। कैसे हर रोज कैंसर का एक नया दर्द, जख्म वो देखती है, वो सब उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया। और अब हिना खान के दोबारा कैंसर की खबर सामने आई है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि सर्जरी के बाद भी कैंसर दोबारा लौट आता है। तो अगर हिना खान की सर्जरी के बाद कैंसर लौटा तो क्या होगा हिना खान का, क्या हिना खान की जिंदगी अभी भी खतरे में है? तो आपको बता दें, सर्जरी के बाद कैंसर दोबारा होने के चांसेस तब होते हैं जब ऑपरेशन के दौरान कुछ कैंसर सेल्स वहीं पर छूट जाती हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान जरा सी भी गलती रही तो वो सेल्स बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं और भयंकर वाला कैंसर पूरी बॉडी में
फैल जाता है जिसमें मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हिना खान के लिए भी अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन उनके डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी बॉडी में अब कोई भी कैंसर सेल्स नहीं रही हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। सब कुछ ठीक हो रहा है, उनकी सर्जरी ऑपरेशन सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। ऐसे में हिना खान लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करेंगी। हिना खान का कैंसर खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी वो बीच बीच में ब्रेस्ट स्कैनिंग करवाया करेंगी, जिससे पता चल सके कि कोई ब्रेस्ट सेल उनकी बॉडी में रह तो नहीं गई है।